हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवानी आज आपको सिखाऊंगी हेयर स्ट्रेटनर से लूज कर्ल्स कैसे बनाएं। काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है कि हम हेयर स्ट्रेटनर को ही यूज़ करके लूज कर्ल्स कैसे बनाएं। सो स्ट्रेट करने के लिए और कर्ली करने के लिए आपको एक हेयर सीरम पहले अपने बालों में प्रोटेक्शन के तौर पर यूज़ करना है। तो मैं ओशिया का हेयर सीरम यूज़ करूँगी, बहुत ही अच्छा सीरम है ये। पास ये सिस्का का हेयर स्ट्रेटनर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फॉर बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, बहुत हैवी स्ट्रेटनर नहीं है, बहुत अच्छा है। इससे ही मैं आपको लूज कर्ल्स बनाना सिखाऊंगी। पहले मैंने सेक्शन ले लिया, एक छोटा सा सेक्शन में करके दिखाऊंगी आपको। मैं ये मैंने सेक्शन ले लिया छोटा सा, ठीक है। अच्छा, सेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, हेयर स्ट्रेटनर को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है और धीरे धीरे इसको नीचे लेकर आना है, नीचे की साइड, रूट्स की साइड, ताकि हमारा ये लूज कर्ल हो पूरे हेयर्स में, ठीक है। हल्का हल्का लेके आना है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे कर्ल्स हुए हैं ये। अगेन मैं आगे से फ्रंट सेक्शन में पार्टिंग करने के बाद स्ट्रेटनर को आउटवर्ड नीचे तक रूट्स तक पुल करके कर्ल करूंगी बालों को, और ये ऐसा फाइन कर्ल हमारा बनके तैयार हो जाए। बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए मैं स्ट्रेटनर को दोनों पार्ट्स में हल्का सा पुल करके बालों को नीचे लेके आऊंगी। ये दोनों साइड से आपको ऐसे ही करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स और हैक्स लाती रहूँगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।